अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कोई अच्छे हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। तो आज मेरा छोटा भाई का शादी का सालगिरह है, तो माशाल्लाह 3 साल कंप्लीट हो चुका है। तो आज सुबह से हम लोग प्लान किए थे जो जाएंगे अम्मी के वहाँ। हस्बैंड जी यहाँ पे गाड़ी निकाल रहे हैं। तो हम लोग सुबह से प्लान किए थे जाएंगे अम्मी के वहाँ, पर हुआ नहीं क्योंकि ये बारिश बहुत हो रही थी। तो असर की नमाज़ के बाद हम लोग घर से निकले और हम लोग गाड़ी पे अब बैठ भी चुके हैं। तो हम लोग निकले अम्मी के घर के तरफ। तो वेदर बहुत अच्छा था, ठंडा था और कहीं बारिश हो रही थी कहीं बारिश नहीं हो रही थी इस तरह की। तो हम लोग पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल लिए गाड़ी पे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। असर के टाइम निकले थे, घर पहुँचते पहुँचते मगरिब हो चुका क्योंकि बहुत ट्रैफिक था रास्ता में। तो अब हम लोग अम्मी के घर जाके आपके साथ मिलते हैं। तो शाम हो गई थी अम्मी के घर जाते जाते। यूट्यूब फैमिली अभी हम लोग आ गए हैं अपना अम्मी के घर पे। तो जा रही हूँ, मम्मी लोग को पता नहीं है, सरप्राइज दे रही हूँ जाकर। जुबिया पहले से खड़ी हो गए हैं। चलो, काम हो रहा है यहाँ पे, घर का काम हो रहा है, सरप्राइज। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी मार भाई। बिरयानी का बिरयानी करना सुन छु আবার বিরিয়ানি করছি। আমি টেস্ট করছি। আমি টেস্ট করছি। কি আছে আন্টি? বিরিয়ানি না, আমি ইউটিউবে তোমার ব্লগস বানাচ্ছি। कुछ बोलो, आज मेरा भाई का शादी का सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारक दीजिए। हिंदी में बोलो। मेरा थर्ड एनिवर्सरी है लेकिन मेरा वाइफ मेरे संग नहीं है, वो बहुत दुख की बात है। वो वाइफ हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है। यस, ओके, बाय बाय। हम लोग रुकैया को बहुत मिस कर रहे हैं। रुकैया आती तो बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 5 साल का हम लोग एक साथ मनाएंगे। अभी आज 2 साल पड़ेगी। यहाँ पर मैं बिरयानी नाश्ते के हिसाब में खा रही थी क्योंकि मम्मी बाहर से नाश्ता मंगाने वाली थी, तो घर में बना था बिरयानी। तो मैं बोली मुझे नाश्ता पे बिरयानी दे दो, मैं थोड़ा सा बिरयानी टेस्ट करूँगी। तो मैं अर्जुबिया खाने बैठ गई थी यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ चाय सबके लिए। वहाँ पर नाश्ता आ चुका है। चाय बनाने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। আমার মতো করতে থাকে, চায়ের পাঠাচ্ছে আমিও। আমির তুমি হ্যাপি? খুব হ্যাপি, থ্যাংক ইউ। জুবিয়া দিয়েছে সারপ্রাইজ। কিন্তু খুব ভালো বাবা। केक कटिंग के बाद यहाँ पे आमिर हम लोग को सबको केक खिला रहा था और मैं भी आमिर को केक खिलाई। तो यहाँ पे माशाल्लाह हम लोग सबको इन्जॉय किए। मेरा भाई मिस कर रहा था अपनी वाइफ को, मगर हम लोग सबको मिस कर रहे थे रुकैया को। ऐसा बात नहीं है सिर्फ वो ही मिस कर रहा था, हम लोग सबको मिस कर रहे थे रुकैया को।
क्योंकि 2 साल कंटिन्यू उसका साथ केक कटिंग हुआ, ये साल हम लोग नहीं कर पाए सेलिब्रेट, तो बहुत ख़राब लग रहा था। और क्या करेंगे, मजबूर है, वो भी दूर पे है, अपना पढ़ाई के लिए हॉस्टल पे रुकी हुई है। इंशाल्लाह कंप्लीट जब उसका हो जाएगा ट्रेनिंग तो आएगी, हम लोग फिर मिल के एक साथ इंजॉय करेंगे जिस तरह के 2 साल हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग उसको वीडियो कॉल में कॉल किया, और कॉल में देखिए मैं उसे केक खिला रही हूँ। अब बोल रही थी इसको हाँ करो मैं तुम्हें केक देती हूँ, तो बोल रही थी मेरे हस्बैंड जी को दे दो। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंजॉय किए। उसके बाद हम लोग निकल गए शाम के टाइम बाहर, अम्मी बोली जाओ थोड़ा बाहर जाके घूर के आओ, अम्मी नहीं गई और मेरी चचेरी बहन नहीं गई। हम लोग बोले उसकी बेटी को लेके जाने के लिए, तो बेटी भी नहीं जाने मांगी, तो सिर्फ हम लोग ही गए घूमने के लिए। तो हम लोग प्लान किए कहाँ जाएंगे, तो अंजुबिया कहने लगी चलिए मम्मी साउथ सिटी मॉल। तो हम लोग सब कोई मिलकर साउथ सिटी मॉल गए। पहले सोचे थे अरसलान जाएंगे नहीं तो इंडिया होटल, तो इस दोनों हम लोग कैंसिल करके साउथ सिटी मॉल गए, क्योंकि बारिश की वक्त है, बाहर में बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए हम लोग बोले नहीं चलो साउथ सिटी मॉल जाते हैं। तो वहाँ पे गए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा जाकर। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में शायद वहाँ पर इतना भीड़ नहीं मिली, क्योंकि पता नहीं क्यों उतना भीड़ नहीं था। तो हम लोग डायरेक्ट 4th फ्लोर में गए, देख रहे ना मेरे पीछे, मेरे भाई के पीछे में कोई भी नहीं है, कितना खाली जगह है। तो एक दो कुछ इंसान थे वहाँ पे, ज़्यादा कोई नहीं थे। तो हम लोग 4th फ्लोर में डायरेक्ट चले गए, तो वहाँ पे हम लोग सब कोई मिल के KFC ऑर्डर दिए, क्योंकि हम लोग को सबको प्यारा बहुत अच्छा लगता है KFC खाने में, हम लोग को सबका फेवरेट है। तो हम लोग डायरेक्ट KFC ऑर्डर दिए, तो वहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय करके KFC खाए। खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, ज़्यादा नहीं। तो जुबिया कहने लगी जो उसको आइसक्रीम खाना है, तो हम लोग बोले चलो आइसक्रीम के लिए ऑर्डर दे। तो यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम के लिए ऑर्डर दिए, यहाँ पे सिर्फ जुबिया के लिए हम लोग आइसक्रीम ऑर्डर दिए, और हम लोग कोई भी आइसक्रीम नहीं खाए, क्योंकि हम लोग का KFC खा के पेट हाउसफुल हो गया था। तो जुबिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी आइसक्रीम को लेकर, और यहाँ पे बहुत फ़न कर रहे थे उसके साथ, तो वो बहुत इंजॉय कर रही थी इस पल। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, हम लोग को भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह का देखना, तो हम लोग भी बहुत इंजॉय किए। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। YouTube फैमिली आप लोग ढेर सारा मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए और दुआ दीजिए मेरे भाई और भाभी को, जो अल्लाह पाक उन लोग का ज़िंदगी बेहतर करे, वो लोग खुश रहे हमेशा अपने ज़िंदगी में, एक साथ रहे और लोग दोनों में बहुत प्यार बना हुआ रहे। तो माशाल्लाह 3 साल कंप्लीट हो चुका है मेरा भाई और भाभी का शादी का, लग रहा है कल की बात है। तो देखिए देखते देखते 3 साल कंप्लीट हो चुका है, तो जब मेरी भाभी रुकैया आएगी तब हम लोग भी फिर से एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और भी अच्छी तरीके से मेरा भाई का शादी का सालगिरह हम लोग मनाएंगे। और आपको ब्लॉग कैसा लगा ये बात ज़रूर बताइएगा। छोटा सा सेलिब्रेट किए हम लोग, अचानक से सरप्राइज़ दिए अपना भाई को, तो बहुत ही खुश था हम लोग का आने पर। तो हम लोग, मुझे और मेरे हस्बैंड जी को, वो बहुत सारा थैंक यू कह रहा था, आमिर बोल रहा था आपा आप लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तो हम लोग आए तो थोड़ा इन्जॉय किया, वो बहुत खुश था काफ़ी, और हम लोग भी बहुत खुश हुए मेरे भाई का, छोटा सा सेलिब्रेशन किए शादी के सालगिरह। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, और ब्लॉग्स आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब करके। YouTube फैमिली हम लोग जा रहे हैं घर, तो मेरा ये ब्लॉग आप लोग का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलूँगी नए एक ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।